मरियाना ट्रेंच, आपने ये नाम तो सुना ही होगा। अगर आज आप पहली बार ये नाम सुन रहे हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मरियाना ट्रेंच समुद्र के नीचे पाए जाने वाली दुनिया की सबसे गहरी खाई है, जिसकी गहराई 35,000 फीट से भी ज्यादा है। दोस्तों, मरियाना ट्रेंच की गहराई इसे धरती की सबसे खतरनाक जगहों में से एक बनाती है। यहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती और अंधेरे की चादर हमेशा कायम रहती है। ऊपर से 0 डिग्री सेल्सियस का जमा देने वाला तापमान सबसे भयानक होता है और पानी का बहाव इतना तेज होता है कि इंसानी हड्डियों को पल भर में चकनाचूर कर सकता है। और दोस्तों, इसी मरियाना ट्रेंच की खौफनाक दुनिया में छिपे हैं कई रहस्यमयी और खतरनाक जानवर, जो कि पल भर में किसी को भी मौत के दरवाजे तक पहुंचा सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और स्वागत है आपका आज के इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मरियाना ट्रेंच की गहराइयों में रहने वाले 5 सबसे खतरनाक और जानलेवा जानवरों के बारे में। तो यार, वीडियो में एंड तक बने रहना और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो यार, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। नंबर 1, द फंग टूथ फिश। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने मरियाना ट्रेंच में एक ऐसी मछली की मौजूदगी महसूस की है जिसे फंग टूथ के नाम से जाना जाता है। ये अपने शरीर से अजीब तरह की तरंगे छोड़ती है जिससे कि ये अपने शिकार को आसानी से ढूंढ लेती है। और दोस्तों, ये मछली इतनी खतरनाक है कि इसके सामने जो भी आता है ये अपने नुकीले और तेज धार वाले दांतों से उसे सीधे मौत के घाट उतार देती है। ये देखने में बिल्कुल पिराना मछली जैसी दिखाई देती है, लेकिन ये पिराना से 4 गुना ज्यादा खतरनाक है और इसके दांत भी पिराना के मुकाबले काफी ज्यादा बड़े होते हैं। नंबर 2, गोब्लिन शार्क। साइंटिस्ट की माने तो इस शार्क को देख पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये समुद्र के 30,000 फीट नीचे रहती है, जहां इंसानों का पहुंच पाना काफी मुश्किल है। ये देखने में गोब्लिन और शार्क जैसी लगती है और जो चीज इसे सबसे ज्यादा अलग बनाती है वो है इसकी नाक, जो कि इसके चेहरे से बिल्कुल किसी तलवार की तरह बाहर निकली हुई है। वैसे दोस्तों, साइंटिस्ट भी इस अजीब सी दिखने वाली शार्क के बारे में ज्यादा नहीं जानते, उन्हें बस इतना पता है कि ये 15 से 18 फीट तक लंबी होती है। नंबर 3, ज़ॉम्बी वॉर्म। दोस्तों, असल में ये कोई पानी में रहने वाला ज़ॉम्बी नहीं है, बल्कि ये एक वॉर्म है जो कि समुद्र में पड़ी मरे हुए जानवरों की हड्डियों में रहता है। इसी वजह से इसे ज़ॉम्बी वॉर्म के नाम से जाना जाता है। ये देखने में बिल्कुल पानी में उगने वाले पौधों की तरह दिखाई देता है। वैसे ये खतरनाक तो नहीं होता, पर ये किसी भी जीव के शरीर पर चिपक जाए तो आसानी से नहीं निकलता। नंबर 4, फ्रिलिड शार्क। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जीव इस धरती पर डायनासोर के टाइम से जिंदा है। रिसर्चर्स के अनुसार ये शार्क समुद्र के 4,200 फीट नीचे रहती है। इसके मुंह में 300 से भी ज्यादा दांत होते हैं। ये इतनी खतरनाक है कि ये ग्रेट व्हाइट शार्क को भी आसानी से अपना शिकार बना सकती है और ये इसके सामने आने वाले बड़े से बड़े समुद्री जीव को भी एक झटके में खत्म कर सकती है। नंबर 5, लियोप्लूरोडॉन। ये विशालकाय और खतरनाक जीव एक समय मरियाना ट्रेंच में मौजूद था या शायद आज भी मौजूद है। ये समुद्री जीव बहुत ही विशालकाय था, जो कि बहुत तेज तैरता था और लंबी दूरी आसानी से तय कर सकता था। इसकी सूंघने की शक्ति भी बहुत तेज थी, इसी वजह से ये अपने शिकार का पता दूर से ही सूंघ कर लगा लेता था। ऐसा माना जाता है कि आज के समय में मरियाना ट्रेंच में इससे खतरनाक जीव और कोई नहीं है। तो दोस्तों, ये थे मरियाना ट्रेंच के 5 सबसे खतरनाक जानवर। आपको इनमें से कौन सा जानवर सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना और ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एक्ट ऑन फैक्ट को और बेल आइकन को दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।